प्रभु यीशु कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में फरीसी लोगों को धिक्कारते हुए ईसा मसीह हमारे पुण्य में बढ़ने के साथ साथ पाप को तजने के लिए हमें आमंत्रित कर रहे हैं। विधि विवरण ग्रंथ 12 अध्याय 6 वाक्य में मूसा द्वारा निर्धारित दिन हर एक इस्राएल लोगों को दशमांश देने के लिए बताते हैं। इसी आदेश के चलते हर फरीसी मंदिर में पुदीने रसने और हर प्रकार के साग का दशमांश देते आ रहे थे, परंतु ईश्वरीय प्रेम के प्रति लोगों के लिए जो न्याय के व्यवस्था करना था उसी में वे अपने आप में असमर्थ बने रहा। इसलिए ही ईसा मसीह उन्हीं को दिखाते हैं। आज हमारे जीवन में ईश्वरीय पुण्य हमारे सामने गिनने के लिए ढेर सारे होंगे, पर क्या इसी पुण्य ईश्वरीय प्रेम के प्रति मेरे जिंदगी में पाप से दूर रहने के लिए मुझको समर्थ बनाकर रखते या नहीं? और नहीं है तो यही पवित्र वचन से प्रेरणा लेकर पुण्य के साथ साथ पाप से दूर रहने के लिए अपने आप को समर्थ बनाए। प्रभु क्रिस्त अपने आशीषों से हम सबको परिपूर्ण करे। सबको यीशु।